बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये वीडियो अपने हलका एन ए 104 की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आपके इल्म में है कि 8 फरवरी से पहले मैं हलका में कम्पेन के हवाले से सिर्फ चंद दिन के लिए हलका में आ सका, चूंकि उससे पहले तकरीबन 9 माह से रुपोश था और उस दौरान भी कम्पेन के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिल सका, सिर्फ चंद दिन मिले और फर्दन फर्दन हर जगह पर ना जा सका। लेकिन इसके बावजूद मेरे हलका की आवाम ने, दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, माओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया और मुझ पर एतमाद का इजहार किया, और मुझसे उनकी एक ही डिमांड थी कि आप इमरान खान साहब के साथ वफा करेंगे। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए अलान ये बात कह सकता हूँ कि 8 फरवरी के बाद जो एक सेटलमेंट हुई और इमरान खान साहब ने 293 के करीब पार्लियामेंटेरियंस इन नेशनल असम्बली एंड द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असम्बलीज वो सुनीत हाथ काउंसिल में उनकी शमूलियत का फैसला किया, वो मेरे हैंड ओवर किए गए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यह तौफीक दी, आप तमाम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों की दुआओं से, मेरी वालदा, मेरे खानदान की दुआओं से कि हम सुरखरू हुए खान साहब के साथ उस वादे के अंदर। इस दौरान बहुत मुश्किल आई, मैं वो डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। मैं जिन क्राइसिस से गुजरा आप सिर्फ अंदाजा लगा लें कि वो पहले पीटीआई नजरियाती वाले डार साहब 5 मिनट वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, और बड़ी बड़ी जमातें जिनके साथ बातचीत हो रही थी वो पतली गली से निकल गईं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्तकामत दिखाई, मैंने आपने जो एतमाद का इजहार मुझ पर वोट की सूरत में किया था मैंने उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दी। और आज अगर मेरा सर फखर से बुलंद है, मेरी जमात का सर फखर से बुलंद है, तो ये सिर्फ मेरे हल्के के आवाम की वजह से है, और यकीनन आप लोगों की वजह से मेरा सर फखर से बुलंद है और मेरी वजह से आपका सर फखर से बुलंद है कि अल्लाह पाक ने पूरे पाकिस्तान में ये मौका भी हलका एन 104 के एक मुंतखब नुमाइंदे को दिया और हलका 104 के उन वोटर सपोर्टर्स को दिया जिनकी दुआओं और तावन की वजह से मैं कौमी असम्बली के ऐवान में पहुंचा था। आज इमरान खान साहब की अमानत उनके पास वापस जा चुकी है। इस दौरान मेरी एब्सेंस रही, बहुत ज्यादा मैं हल्के में नहीं आ सका। आपके इल्म में है कि बेतहाशा केसेस थे, साइफर का केस था, इदत का केस था, अलकादर ट्रस्ट था, उसके साथ साथ मेरे अपने जाती जमानतों के केसेस, मुख्तलिफ केसेस, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स का केस था, और फिर बेतहाशा रेट्स थी जिसके लिए कभी एक शहर कभी दूसरे शहर, और मैं इन 4 माह में 5 माह में वो कहते हैं कि मैं टिक के नहीं बैठ सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ जो वादा मैंने किया था कि मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे यकीन है कि आज आप यकीनन मुझसे खुश होंगे। अपने उस वोट के ऊपर आपको पशेमानी नहीं होगी, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, और आप खुशी से यह बात कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस नुमाइंदे को मुंतखब किया था उसने आपके साथ किया हुआ वादा पूरा किया। मेरी गैर मौजूदगी में या अक्सर गैर मौजूदगी में मेरे हलका के MPA मोहतरम हसन जका न्याजी साहब, चौधरी असद महमूद साहब और हाजी बशारत डोगर साहब, इन्हीं तीनों MPAs ने हलके के अंदर भरपूर किरदार अदा किया, मेरी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं होने दिया, मेरी जगह पर अटेंडेंस भी देते रहे, और मैं अपने भाई, छोटे भाई हसन रजा का तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा वो भाई आज के दिन तक सुबह 9 बजे निकलता है और रात 1 बजे 2 बजे के करीब वापस आता है। हम आपके इलम में पंजाब हुकूमत का मैं खसूसी शिकार हूं उनके जुल्म सितम का भी, और फेडरल गवर्नमेंट का भी मना किया गया कि इसके काम ना किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद इस मुख्तसर अरसा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो बेसिक अवामी मसाइल थे उसके अंदर मेरा छोटा भाई साहबजादा हसन रजा और तीनों रिस्पेक्टेबल MPAs वो अपने तई जो कोशिश कर सकते थे, और मैं समझता हूं कि हम इफ नॉट 100% तो हम इंशा अल्हम्दुलिल्लाह 70% के करीब लोगों ने जिन मामलात में हमसे रजू किया हम उनका काम करने में कामयाब हुए। बस अब चंद केसेस बाकी रह गए हैं
उसके बाद शेड्यूल बेसिस के ऊपर आपके साथ मुलाकात का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। मैं हल्के में खुद हाजिर होऊंगा। अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा और इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआएं कीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि इसी इस्तकामत के साथ इमरान खान का दस्तोबाजू रहते हुए हम जदोजहद के नेक्स्ट फेज के अंदर दाखिल हो सकें। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।